हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन प्लस बी अपन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी फॉर ऑल पॉजिटिव एक्स वेयर ए ग्रेटर एंड बी ग्रेटर ए बी स्क्वेर इज ग्रेटर टू फोर सी क्यू तो हमें शो करके दिखाना है यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा हम जानते हैं फॉर फॉर एफ एक्स टू बी मैक्सिमम और मिनिमम हम क्या करते हैं पहले एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट करते हैं यहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे फिर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करके हम एफ एक्स की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं ठीक है तो हमें दिया हुआ क्या है देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी अपॉन एक्स डिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी है तो अगर सी को हम उस तरफ लेके जाए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी अपॉन एक्स माइनस सी डिस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो इसका मतलब क्या है कि ये जो टर्म है इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ना वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी तो हम क्या करते हैं एक बार के लिए लेट करते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स माइनस सी जहां पर ए ग्रेटर देन जीरो है b ग्रेटर देन जीरो हम एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं तो देखो क्या हो जाएगा टू ए एक्स डिफरेंसिएशन कर रहे हैं प्लस में b बार आ गया का होता है तो इधर माइनस ऐसे वन अपॉन एक्स गया और माइनस सी का डिफरेंसिएशन जीरो क्योंकि वो तो कॉन्स्टेंट है और अगर हम एफ डैश एक्स को जीरो रख दें तो देखो एफ डैश एक्स को जीरो पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा यहां से टू ए एक्स विल बी इक्वल टू किसके आएगा बी अपॉन में एक्स स्क्वायर के ठीक है यानी यहां से x क्यूब का जो वैल्यू है वो हमें क्या मिल जाएगा देखो b अपॉन में 2a जिसका मतलब है x का वैल्यू मिल जाएगा b अपॉन 2a होल रेस टू पावर 1 अपॉन में 3 ये मिल गया अब देख लेते हैं कि इस पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा या मैक्सिमम वैल्यू तो उसके लिए f डबल डैश x निकालते हैं यानी सेकंड डेरिवेटिव हमें देखो क्या मिल जाएगा 2ax का डिफरेंशिएशन 2a माइनस में b बाहर आ गया और वन अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स एस टू पावर माइनस टू है माइनस टू तो आगे आ जाएगा ठीक तो है तो माइनस ऑलरेडी है तो बेसिकली प्लस का टू बन जाएगा इधर बी आ जाएगा और अपॉन में इधर क्या आ रहा होगा एक्स क्यूब आ जाएगा ठीक है तो अपॉन में एक्स क्यूब बन गया ठीक है अब ये जो वैल्यू है ये हम क्या देख सकते हैं क्योंकि ए पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है और एक्स क्यूब का वैल्यू जो है वो भी बी अपॉन में टू है तो पॉजिटिव है तो ये कंप्लीट टर्म पॉजिटिव आएगा तो अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि जब भी सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है ना तो उस क्रिटिकल पॉइंट पे हमें क्या मिल जाएगा हमें मिनिमम मिल जाएगा ठीक है यानी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉइन टू ए रेस्ट टू पावर वन अपॉइंट थ्री रखने पे हमें एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू मिलेगी तो अगर हम एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू लिखना चाहते हैं अब एफ एक्स मिनिमम विल बी इक्वल टू वट यहां से देख लो बस एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देना हमें बी अपॉन्ट टू ए रेज टू पावर वन अपॉइंट थ्री यानी कि बोल सकते हैं ए और बी अपॉन टू ए रेज टू पावर वन अपॉइंट थ्री और उसका क्या है स्क्वायर भी तो लिखा हुआ है ठीक है तो ऐसे लिख सकते हैं या इसको चलो एलसीएम लेके कर लेते हैं वो थोड़ा इजी रहेगा पहले ए एक्स क्यूब बना लेते हैं इसको तो ए एक्स क्यूब प्लस में बी प्लस में बी माइनस में आ जाएगा हमारा सी एक्स अपॉन में एक्स अब इसको देखो डायरेक्टली रखते हैं तो ए मल्टीप्लाई में बी अपॉन टू ए प्लस में बी माइनस सी मल्टीप्लाई में बी अपॉन टू ए होल्ड रेस टू पावर वन अपॉन थ्री होल अपॉन में होल अपॉन में क्या है जो वैल्यू है हमारे पास में बी अपॉन टू ए रेस टू पावर वन अपॉन थ्री ठीक है अब ये जो वैल्यू है ना ये भी ग्रेटर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी क्योंकि हमें ये पता है तो हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो यहां से देखो ये टर्म उस तरफ जाएगा तो जीरो बन जाएगा ना और इधर ए से ए डिवाइड हो गया तो एक तो बी अपॉइंट टू बच गया देन प्लस में बी है दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी टाइम्स बी अपॉन टू ए रेस टू पावर वन अपॉन थ्री इधर से कितना बन जाएगा थ्री बी अपॉन में टू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ बी अपॉन टू ए रेस टू पावर वन अपॉन थ्री दोनों तरफ क्यूब कर लेते हैं हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से ट्वेंटी सेवन बी क्यूब अपॉन में एट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी क्यूब बी अपॉन टू ए बी से ये बी क्यूब बी स्क्र टाइम्स डिवाइड हो गया यानी टू जो है वो एट को फोर टाइम्स डिवाइड कर देगा यानी ट्वेंटी सेवन बी स्क् विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी क्यूब अपॉन में इसका मतलब क्या है कि इक्वल टू फोर सी क्यूब और यही तो हमें यहाँ पे क्या करना था शो करना था तो इस तरीके से हमने शो कर लिया हम बोल सकते हैं इट इज शोन तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन बेस्ट ऑफ लक